इन दिनों मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मुखर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है और इधर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार चरम पर है। इस दौरान जीतू पटवारी ने बिजली की समस्या और सोयाबीन की फसल को लेकर भी प्रदेश के शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ये सभी यहाँ उपस्थित हैं और ये भर अब जिले विकास की वीडियोस और 27 रथ पूरे प्रदेश में यहाँ से सांकेतिक तौर पर कुछ रथ रवाना किए जा रहे हैं और इस विकास की यात्रा में आम जनता का सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं। आज दो यात्राएं, एक मंडला से अभी और दूसरी शिवपुर से, माननीय अमित शाह जी हरी झंडी दिखाकर उन यात्राओं को रवाना करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी दो पहले निकल चुकी है, उनको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है और जनता का कल्याण किया है। अमित शाह जी ने जो रिपोर्ट कार्ड हमारा प्रस्तुत किया था, हमारी ड्यूटी है कि चुनाव के पहले हमने क्या काम किया ये जनता को बताएं, और जनता को बताने के लिए हमारे विकास और गरीब कल्याण रथ रवाना हो रहे हैं, जो जनता के बीच हमारी उपलब्धियाँ और जन कल्याण के जो काम किए हैं विकास के साथ, उनको रखेंगे। मैयर वाली मैया के चरणों में, शारदा मैया के चरणों में प्रणाम। हमने आज फैसला किया है कि माँ शारदा की नगरी मैहर अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं।